से माइक विश्वकर्मा पूजा सेवा समिति का स्थापना किए। पूरे मुंबई लेवल पे हमारे विश्वकर्मा सेवा समिति भक्त लोग आते हैं और बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान भी करते हैं, और हमारे यहाँ नगरवासी प्रयाग नगर प्रकाश नगर वासी भी सहयोग करते हैं। और हम लोग का जो 23 वर्षों का जो सपना था, इस वर्ष 2024 में हमारे आमदार साहब नवाब मलिक साहब और हमारी भावी आमदार सना मलिक मैडम जी के आर्किटेक LLB उनके द्वारा ये मंच का उद्घाटन 15/9/2024 को बहुत ही आकर्षक और भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ। और हमारे सभी हमारे प्रकाश नगर प्रयाग नगर के वासियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान किया। इन्हीं का आज बदौलत जो आज हमारे ये विश्वकर्मा मंच जो है चाहे तैयार होकर खड़ा हुआ है। और हम लोग आशा करते हैं कि इसी तरह से सभी हम लोग साथ मिलकर, सभी विश्वकर्मा भक्त मिलकर प्रत्येक वर्ष इसी तरह से आकर्षक पूजा करते रहे, ताकि हमारा मुंबई झारखंड और सभी तरह से हमारा एरिया का नाम होते रहे। आज भी हमारा प्रकाश नगर प्रयाग नगर एशिया पूरा मुंबई और महाराष्ट्र में ये ऐसा स्थान पूजा का होता है कि नाम ही होता है कि विश्वकर्मा पूजा का सेवा समिति यहाँ पर बहुत भव्यमय तरीके से पूजा करते हैं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जय महाराष्ट्र, जय माँ भगवान की जय, भगवान की जय, भद्रकाली माता की, मुंबा देवी की। इस वर्ष बहुत खुशी और उत्साह का माहौल श्री विश्वकर्मा पूजा सेवा समिति को देखने को मिला है। यहाँ के जो भी पदाधिकारी, यहाँ के जो भी सदस्यगण, यहाँ पे अगल बगल के जो भी हमारे अभिभावकगण थे, उन सभी के सहयोग से और लगातार 20 वर्ष की मेहनत के बाद इस वर्ष हमारे माननीय आमदार श्री नवाब मलिक साहब जी एवं उनकी बेटी सना मलिक मैडम जी, उनके माध्यम से यह झारखंड विश्वकर्मा मंच का उद्घाटन प्रयाग नगर गडकरी में बड़ा भव्य तरीके से 15/9/2024 का उद्घाटन हुआ। और इस कार्यक्रम में यहाँ के प्रयाग नगर के जितने भी अभिभावक थे, हर कास्ट के लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए। यहाँ अच्छा माहौल बना, यहाँ सहयोग का भी माहौल आज भी देखने को मिल रहा है। आज इस जो पंडाल में हम लोग उपस्थित हैं, कई जगह के सदस्य और पदाधिकारीगण भी हैं, यहाँ तक वासी नाका के बगल में, भारत नगर के बगल में, विष्णु नगर गडकरी के, मैंने पूरे मुंबई के जो पदाधिकारीगण हैं, जिस संस्था से भी रिलेटिव हैं, किसी भी रूप में हम सबों को सहयोग करते हैं। और आज नहीं, ये 20 वर्षों से इनका सहयोग हम सबों के बीच रहा है और बड़ा खुशी है इस वर्ष पूरे झारखंड समाज के लिए यह जो मंच तैयार हुआ है। इस तरह का स्थान पूरा मुंबई में कहीं नहीं था, जो कि आज हम सबों को माननीय श्री आमदार नवाब मलिक के माध्यम से झारखंड समाज को मिला है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जो विश्वकर्मा पूजा यहाँ पे स्थान हुआ है, ये प्रकाश नगर से स्टार्ट हुआ था। प्रकाश नगर में जब हम गडकरी के हम छोटे थे, तब से यहाँ पे झारखंड समाज के लोग, कुछ लोग आए थे, उन्होंने स्टार्ट किया। आज करते 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 आज माहौल देख रहे हैं आप, 2024 में क्या माहौल हो गया। तो ये इनकी एकता है, झारखंड वासियों की एकता है। उनकी एकता को देख के ही इस मंच को तैयार किया गया है, क्योंकि इनके एकता में बल है। और आज इन्होंने हर कार्यक्रम को एकदम सफलता से एकदम संपन्न किया। भंडारा भी रखते हैं इन लोग, हर साल पूजा पाठ करते। कल बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ऑर्केस्ट्रा है, भजन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल से गायक यहाँ आने वाले हैं। तो मैं सभी भक्तों को यही प्रार्थना करूँगा कि उस भजन का आनंद ले, और आज ये विश्वकर्मा भगवान ही इनके ऊपर कृपा बसाएं। बस धन्यवाद। श्री विश्वकर्मा पूजा सेवा समिति के मैं एक संचालक हूँ, ऐसे सचिव हूँ। आज मैं 2002 से यहाँ पर सेवा, और सभी मुंबई तरफ से दोस्त, मैं सबको इनवाइट करता हूँ और जोड़ता भी हूँ। और हम लोग इतने सालों से पूजा करते हुए आज इस मंच तक ले पहुँचा हूँ, जो हमको, हम लोग को इतनी खुशी हो रही है कि सभी लोगों को जो बिछड़े हैं या सब आपस में हैं, उन लोग को भी लाना के कोशिश में हैं। और बहुत सारे लोग जो हाँ करके या ना में भी है, वो लोग भी आना शुरू किए हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसे हर वर्ष इसी तरह हम लोग को भगवान विश्वकर्मा सफल पूर्वक मैथी करें, आशीर्वाद दें। इसी की वजह से हम, मैं राजकुमार शर्मा, यहाँ का सभी दिल से आभार हूँ, और विश्वकर्मा पूजा के समझ में जय विश्वकर्मा। आज हम लोग बहुत ही धूमधाम के साथ में इस मुंबई महानगर शहर में 23वां वर्ष
श्री विश्वकर्मा पूजा समिति की ओर से विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है, जिसमें बहुत हर्षोल्लास के साथ में हम लोग हर साल मनाते हैं। और इस वर्ष मनाने का यादगार कुछ और ही है, इसलिए कि हम लोग को यहाँ का आमदार श्री नवाब मलिक जी के उनके पुत्री के द्वारा इस हॉल का कार्यक्रम और भूमि पूजन करके संपन्न किया गया, जो हम लोग यहाँ बाहर बाकड़ा डाल करके किया करते थे व्यवस्था के साथ में, उन्होंने जो व्यवस्था करके दिया है। ये इस कार्य के लिए हम सभी झारखंडवासी उनको हृदय से अभिनंदन करते हैं और सदा उनको आगे बढ़ने के लिए योग्यता समझते हैं, और हम लोग साथ रहेंगे उनके। अपनी यह छोटी सी वाणी के साथ अपना विराम करता हूँ, धन्यवाद। सर्वप्रथम श्री जय विश्वकर्मा पूजा सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन, और मैं आभारी हूँ और हमारी टीम आभारी है। हम लोग अंधेरी से आए हैं और हमेशा आते हैं, पिछले लगभग 20-22 साल से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ के लोग जो सारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं काफ़ी एक्टिव हैं, और बहुत ही अच्छा लगा कि अभी ये इस बार यहाँ पे सेट भी बना के इन लोगों के प्रयास से, अथक प्रयास से सेट बना के भी मिला। यहाँ पे एक चीज़ जो देखने को हम लोग को मिलता है कि तमाम झारखंडवासी जो मुंबई में रहते हैं, वो लोग सारे अगर एक मंच पर अगर कभी इकट्ठा होते हैं तो यहीं पे गडकरी में यहाँ पे जो विश्वकर्मा पूजा में आते हैं, मुझे लगता है कि इतनी भीड़ कहीं नहीं होती है। और जो लोग एक दूसरे से कभी मिलते नहीं, परदेश में आए बाहर से रहने के लिए झारखंड से, वो यहाँ एक मंच पर देखने को मिलते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और मेरा आगे का ये रहेगा कि जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं, जितने भी यहाँ के लोग हैं जो मेहनत करते हैं पूजा के प्रति, जो इनका निष्ठा है, ये इसी तरह बना रहे, और भगवान विश्वकर्मा जी का भी आशीर्वाद इन लोग के ऊपर और हम लोग के ऊपर इसी तरह बना रहे। धन्यवाद। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।